श्री भगवान, भले ही निष्पाप इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई, उनमें से संख्यायोग निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कामता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्म के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी संख्यायोग निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुण द्वारा परेश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हट पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उस इंद्रियों का विषय का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुए समस्त इंद्रियों को कर्म योग को आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। तो शास्त्र वहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना बहुत श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरी शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्म लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ निमित्त ही भले भांति करते हुए कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरों को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारे बढ़ाए हुए देवताओं तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही तुमको देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिया हुआ भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही कहलाता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, उनको उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और इंद्रियों के द्वारा भोगों को रमन करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ हो जाता है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और इंद्रिय के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप ही पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। उस महापुरुषों को इस विश्व में ना तो कर्म करने योग्य कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों करने
करने से कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहा, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति से रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। शेष पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वे जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीन लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है। जो भी कर्म में ही पड़ता है, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं सत्कर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजाओं को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे शास्त्र वहित कर्मों को आसक्ति वाले अज्ञानी जनियों के बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्म असरता उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र वहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही कराए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुण द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है, परंतु हे महाभाव, गुण विभाग कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण के ही गुण में बरत रहा है, ऐसा समझकर उनसे मैं आसक्त नहीं होता।